हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिंपल सचिन तलमी के चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा स्वागत। तो मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ अपने सासू माँ और जिठानी के लिए साड़ी खरीदने, क्योंकि मम्मी उनको दिवाली का गिफ्ट देना चाहती थी। उनको खाने पर भी इनवाइट किया था, बस किसी कारण वो नहीं आ पाए। तो मम्मी चाहती है कि मैं खुद मिलकर उनको गिफ्ट दे दूँ, तो बस इसीलिए आए थे। तो आप देख सकते हैं अपनी साड़ी खरीद ली है। अब हम जा रहे हैं मेरी सासू माँ के यहाँ, मतलब मेरी जिठानी जी के यहाँ, जहाँ की मेरी सासू मम्मी वहीं हैं अभी। वो मेरे पास ही थे, बट मेरे जो जेठ जी हैं खाटू श्याम गए हुए हैं, जिस वजह से अभी सासू माँ उन्हीं के पास रुकी हुई है, इसलिए हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। खाओ ना, तो बहुत खुश खुश खा के देखो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अभी बनाए गरम गरम, उसको देखो इसका शुरू। आलू बेटा खा लो। ये क्या कर रहा है? खुशबू अटक नहीं जा रही पर नहीं। हां मुंह में तोड़ के देना पड़ेगा। गुड इधर आ, गुड इधर आ। कुछ रहा हम रखा रहे थे तो किया मेरे घर भी आता है ना, वहां पर छुट्टी रहती ना, पागल करता है मेरा सारा। परेशान भैया ये बहुत खुश होती है। तुम्हारे को थैंक यू। पबरा पकान ल आप भी तो बेटी हो ना उनकी। अरे मेरे को थोड़ी आपको लेके आए, मेरे को तो दे दिया उन्होंने। क्या जरूरत थी? मेरे को दे दी जरूरत। दे दी मेरे दांत मत निकल। आप देखो तो सारी तुम जैसा कलर पहनते हो ना, ऐसे ही लेके आई। मेरे दांत मत निकल बेटा, दांत निकल तुम्हारे। सो फाइनली आई से मिलकर यहाँ आ गए। आई की बहन के यहाँ भी गए थे हम मंगला मौसी के यहाँ पर, वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई, भूल गई बातों बातों में, मतलब ध्यान ही नहीं रहा, फोन बैग में रह गया। तो वहीं से ये कुंकू हल्दी हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा चिवड़ा बनाया था, बहुत अच्छे लड्डू बनाए थे, जो कि मैं बता देती हूँ जो हम खा के आ रहे हैं। और हम शूट करना भूल गए। अगर मंगला मौसी ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको थैंक यू बोलना भी भूल गए। अरे वो सुगंध बाजार जा रही है ना मनीषा को, भाभी तो सीधे बुखार नहीं होते, तबीयत खराब है ना, गुड्डू बुखार है ना, उसमें हट डाले ऐसे यार आती थी, टेस्ट आता है। सो गई मेरी मम्मी भी, मम्मी पापा भी, पापा आए थे मम्मी को लेने। तो आई के घर हम गए थे, मतलब मेरी जेठानी के घर हम गए थे। क्यों गए थे बता देती हूँ, सभी को पता है जैसे कि दिवाली के अगले दिन पड़वा होती है, तो पड़वा के खाने पर बुलाया जाता है। तो मेरी फैमिली को भी बुलाया गया था, पर कुछ कारणों के कारण हमारे घर में भी गेस्ट थे, जिसके कारण हम जा नहीं पाए मम्मी के घर। अब मम्मी ने मेरी सासू माँ के लिए साड़ी वगैरह मम्मी को देने का मन था, मेरी सासू माँ को, मेरी जेठानी को, क्योंकि वो बहुत कम मेरे मायके जाते हैं, बहुत कम। तो मम्मी का इतना लेना देना उधर हो नहीं पाता, तो मम्मी को अच्छा लगता मैं सबको कर देती हूँ पर तेरी फैमिली को नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मम्मी चाहती थी कि मुझे रामनगर ले, मतलब जहाँ मेरी सासू माँ रहती है वहाँ ले चल बेटा, तो मैं खुद उनसे मिल भी लेती हूँ और उनके लिए जो मैंने गिफ्ट्स खरीदे वो भी दे देती हूँ। तो बस इसीलिए मम्मी आए थे। फिर मैंने मेरी ही चॉइस से साड़ी खरीदी, क्योंकि मम्मी को ये भी डर रहा था, मेरी जो सास है उनका थोड़ा सा ऐसा है कि वो बहुत सिंपल कपड़े पहनती हैं, बहुत सिंपल, मतलब एक एक
सितारा भी नहीं होना चाहिए साड़ी में, किसी प्रकार की कुत्ते की आवाज़ को इग्नोर करना, और मतलब कोई वो भी नहीं होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, पतली सी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उतना आईब्रो जितनी पतली भी नहीं होनी चाहिए, वो इस टाइप के कपड़े नहीं पहनते, उनको एकदम सोबर कपड़े चाहिए, एकदम सिंपल। तो फिर मैं गई, मैंने अपनी चॉइस से साड़ी खरीदी जैसे मेरी सासू माँ को पसंद है, और कलर भी उनको कैसे चाहिए, लाइट पिंक, लाइट स्काई ब्लू, हल्का ग्रे कलर, इस टाइप के हल्के कलर पहनती हैं वो। तो फिर मम्मी चाहती कि तू ही चलना, और मेरी जेठानी तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा मैरून कलर टाइप की साड़ी खरीदी, क्योंकि उनका रंग थोड़ा फेयर है तो उन पर अच्छा लगेगा वो, इसलिए फिर मम्मी चाहती थी कि तू खुद से खरीद और चल। बस फिर बस इसीलिए गए थे, उनको दिवाली विश करनी थी और देना था। बस यही होता है कि हर बार लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे मायके में अगर मेरी फैमिली बुलाती है उनको खाने के लिए, इधर से मिशू की फैमिली आती है, उधर से खुशी की फैमिली आती है, तो मेरी फैमिली ना तो मैच कर पाती है लिटरली, अगर मैं उनको सच बताऊँ ना तो ना मेरी फैमिली उनसे ज़्यादा बात कर पाती है, ना उनको मैच कर पाती है, चुपचाप बैठती है, तो वहाँ पर उनको एम्बेरस सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एकदम शांत स्वभाव के लोग हैं, चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लिमिटेड बातें करते हैं, ज़्यादा हाँ भी नहीं जमता है, थोड़ी सी ऐसी फैमिली। बस इसी वजह से मेरी फैमिली अधिकतर नहीं जा पाती है मेरे मायके पक्ष में, तो मेरी मम्मी का यही मतलब था कि वो नहीं आ पाते तो ठीक है मैं आ जाती हूँ उनके लिए, जो भी मैंने गिफ्ट्स खरीदे तो तू मेरे साथ चल, अपनी चॉइस से खरीद ले और तेरी सासू माँ को हम दे देंगे। बस इसीलिए गए थे, मेरी मौसी सास के घर भी गए थे जहाँ पर शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे मौसा ससुर जी एक्सपायर हुए थे, इनकी बरसी में हम लास्ट मंथ गए थे, तो मैंने वहाँ शूट करना सही नहीं समझा, क्योंकि पहली दिवाली थी आई थिंक, तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया। लेकिन उन्होंने बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाए थे, चिवड़ा बनाया था जो कि मैंने खाया और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और बस यही हुआ, मैं घर आ गई हूँ, मम्मी वापस पापा मम्मी को लेने आए थे, मम्मी अपने घर चली गई हैं, आज मिशु के यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम है, कार्यक्रम से भाई दूज का, मैं भी इनवाइटेड थी पर नहीं जा पाई, बोलती बड़ी बहन दूध का खाना नहीं खाती, हमारे यहाँ ऐसा मानते, तो मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था तो मैं नहीं जा पाई। बस जो कुछ भी हुआ वो मैंने शूट किया, बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ गुड्डू की शैतानियाँ। गुड्डू गई है पड़ोस में और उनके मेहमानों को भी कर रही है परेशान। तो यहाँ गुड्डू के लिए सॉन्ग प्ले हुआ था भैया, वो कर रही थी डांस और मस्ती, इसलिए मैं नहीं शूट कर पाई ओरिजिनल वॉइस में, क्योंकि टीवी चल रही है और आप देख सकते हैं ईशू से कैसे घुमा रहे यार, ईशू ने उसको ऐसे घुमा दिया कि उसको चक्कर आ रहे थे, वो खड़ी नहीं हो पाई, अब वो चल कर दीदी के पास इसलिए गई है। ईशू बहुत परेशान करती कभी कभी, उसको बहुत ज़्यादा मस्ती कर लेती, मतलब ईशू का कभी कभी इतना बहुत ओवर हो जाता है, तो वो बस उसको गोल घुमा दिया ना तो उसको चक्कर ही आ गया, तो वो इतने अच्छे से डांस कर रही थी, इतने अच्छे से खेल रही थी। अब ईशू को क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं उसको गोद में लेकर घूमूं, बस पूरे टाइम मैं इसको गोद में लूं, और उसका ऐसा रहता है कि उसको ना नीचे खेलना रहता है, दौड़ना भागना रहता है, और बस ईशू को ये रहता है कि मैं इसको गोद में लूं और इसको मतलब पैम्पर करूं, बहुत छोटे बेबी जैसा, ठीक है वो छोटा बेबी ही है बट वो नहीं आती गोद में, उसको घूमना है, कहीं भी चीज़ों को पकड़ना है, खेलना है, या डांस जैसे कर रही थी चिड़िया उड़ रही हो ऐसा डांस कर रही है। गुड्डू वैसे इसके साथ बहुत खुश रहती है ईशू के साथ। और अभी हम जब रामनगर गए थे, उसने रामनगर में से आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी जेठानी के यहाँ उसको इतनी खुशी मिल रही थी तो उसका इच्छा ही नहीं हो रही थी वापस आने की, बट नहीं छोड़ सकती। खैर इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बाय बाय।